नमस्कार, स्वागत है आपका शर्माजी एजुकेशन में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज पार्ट 1। तो यहाँ पर हम यूपीटेट और सीटेट के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट का जो पोर्शन आता है उसमें 30 क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करेंगे और उनके एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर देखेंगे। तो आप अपने नोट्स बनाते रहिए और उन नोट्स में जितने भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं उससे रिलेटेड जितने भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दूंगा उनको आप अपने नोट्स में शामिल करिए ताकि जो आपकी तैयारी है वो अपने अच्छे से हो सके। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया है कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना इनमें से क्या कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा या फिर कल्पना। तो यहाँ पर पूर्व अनुभव के आधार पर जो बात कही गई है, संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है ये बिल्कुल ठीक होगा, यानी कि सेकंड वाला, प्रत्यक्ष ज्ञान ही क्या है, अपने पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्ष ज्ञान ही कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 5 वर्ष के मोहन की जो मानसिक आयु है वो 8 वर्ष है और उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। यदि 5 वर्ष का मोहन है और उसकी मानसिक आयु 8 वर्ष है, इसका मतलब उसकी बुद्धि लब्धि ज्यादा होनी चाहिए। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वो होता है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100। तो मानसिक आयु इसकी है 8 वर्ष और वास्तविक आयु इसकी 5 वर्ष बताई गई है। तो 8/5 गुणा 100 जब हम करेंगे तो ये मिलेगी हमें 160 वर्ष, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सेकंड है ये बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि स्तर कहलाता है। तो यहाँ पर कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि बच्चों के लिए कह रहा है प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर तीन क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, 70 से 79 तक, 50 से 69 तक, 36 से 49 तक या फिर 35 से निम्न। तो ये जो बुद्धि लब्धि की बात की गई है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर जो इसका थर्ड है ये बिल्कुल ठीक होगा। तो 36 से लेके 49 वाला जो स्तर यहाँ पर बताया जाता है वो प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर बताया जाता है, और यदि किसी बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम है तो उसे मंद बुद्धि बालक माना जाता है। तो 70 से कम अगर किसी की बुद्धि लब्धि है तो वो मंद बुद्धि बालक माना जाएगा, लेकिन अगर 36 से लेके 49 तक की बुद्धि लब्धि है तो वो प्रशिक्षण योग्य बालक होगा। आगे यहाँ पर है, अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, रोडसाक इंक ब्लॉट जो रोडसाक स्याही धब्बा परीक्षण है उस टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर, व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिरुचि या फिर अभिक्षमता। तो रोडसाक जो स्याही धब्बा परीक्षण है उसका जो प्रयोग है वो व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका पहला है व्यक्तित्व, ये बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है। तो ऑप्शन है यहाँ पर, सीखने में कमी, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद्व या फिर सीखने की दोषपूर्ण विधियां। तो ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका सेकंड है ये बिल्कुल ठीक है, स्मरण करने की इच्छा जो है वो विस्मृति का एक कारण नहीं है। तो व्यक्ति जब किसी बात को स्मरण करने की इच्छा करता है तो उसमें विस्मरण नहीं होता, सीखने में कमी, मानसिक द्वंद्व और सीखने की जो दोषपूर्ण विधियां हैं वो विस्मरण का कारण है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सेकंड है ये बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा गया है कि वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजन करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है क्या कहलाता है। तो वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने और तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित होता है उस विज्ञान को हम यहाँ पर सांख्यिकी कहते हैं। तो क्योंकि संख्या से संबंधित है यानी कि सांख्यिकी कहलाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो इसका पहला है ये बिल्कुल ठीक होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है। ऑप्शन है यहाँ पर, गार्डन, सोनेल, वार्डन हॉल या फिर सिरिल वर्ड। तो ये यहाँ पर पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा यहाँ पर किसने दी है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 4 है ये बिल्कुल ठीक होगा, सिरिल वर्ड। तो पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की जो अवधारणा है वो सिरिल वर्ड ने दी थी। पिछड़े बालकों में सीखने की जो गति होती है वो अपनी आयु के अन्य बच्चों की तुलना में काफी कम होती है, लेकिन ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता होती है वो भी कम होती है। ठीक है, शैक्षिक रूप से भी ये जो बालक होते हैं वो बालकों की अन्य बालकों की अपेक्षा पीछे रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 4th है, सिरिल वर्ट, इन्होंने शैक्षिक लब्धि की अवधारणा दी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है।
ऑप्शन है यहाँ पर विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, अभिक्षमता। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। तो ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें से ऑप्शन नंबर जो इसका 4 है अभिक्षमता, ये बिल्कुल ठीक होगा। तो अभिक्षमता जो है वो इन सबसे भिन्न है। तो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से अभिक्षमता भिन्न है। तो अभिक्षमता का जो तात्पर्य है वो ये है कि किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान व कौशल अर्जित करने की क्षमता, वही क्या कहलाती है, अभिक्षमता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पर एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन सिद्धांत या फिर बहुतत्व सिद्धांत। जितने भी यहाँ पर सिद्धांत दिए गए हैं इसमें से हमें बताना है कि बुद्धि का सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 3rd है प्रत्यागमन सिद्धांत, ये बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। लेकिन एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत और बहुतत्व सिद्धांत जो है ये तीनों ही बुद्धि के सिद्धांत हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका 3rd है प्रत्यागमन सिद्धांत, ये बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं मैं पढ़ देता हूँ, एड्रिनल ग्रंथि, प्यूज ग्रंथि, लार ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो नहीं है वो हमें बताना है। तो जो ये लार ग्रंथि है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, जबकि एड्रिनल ग्रंथि, प्यूज ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि ये तीनों ही अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अगला क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अद्वितीय अवस्था द्वितीय अवस्था है। तो संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ज्ञानेन्द्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रिया की अवस्था, पूर्व संक्रिया अवस्था या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो प्याजे की संज्ञानात्मक अवस्था ये 4 ही बताई गई है। इनमें से जो तीसरी ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है ये इसकी द्वितीय अवस्था नहीं है, जबकि ये कौन सी है, पहली अवस्था है। ठीक है, तो ये यहां पर ऑप्शन नंबर जो इसका 3rd है ये बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो ऑप्शन है यहाँ पर, वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम और उपरोक्त सभी। तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो कौन सा है इनमें से, हमें ये बताना है। तो शारीरिक विकास को ये सभी प्रभावित करते हैं, वंशानुक्रम, वातावरण और खेल व्यायाम, इन सभी का प्रभाव पड़ता है शारीरिक विकास पर। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 4th है बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र बताइए। तो अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा था, वहां पर हमने देखा था मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका पहला है ये बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है। तो जॉन डीवी, रॉस, वुडवर्थ या फिर ड्रेवर। तो चिंतनशील सोच जो है वो जॉन डीवी ने इसके बारे में बताया था, करके सीखने वाला जो उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका पहला है ये बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, आगुणात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है। तो ऑप्शन है यहाँ पर, अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण या फिर कल्पना। तो आगुणात्मक जो तर्क है उसके स्तरों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है ये बताना है हमें। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 4th है कल्पना, ये बिल्कुल ठीक होगा। तो कल्पना जो है वो इसमें आगुणात्मक तर्क में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखी गई बात को धारण करने की और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए जो ऑप्शन दे रखे हैं एक बार मैं पढ़ देता हूँ, विस्मरण है, स्मरण है, धारणा है या फिर चिंतन है। तो सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका पहला है ये बिल्कुल ठीक होगा, विस्मरण। तो ये विस्मरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति की एक विशेषता, प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों तथा चूहों में, सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्रकृति है, केवल कलाकारों में। तो ये मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता किस में पाई जाती है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 3rd है ये बिल्कुल ठीक होगा, सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 16 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45 या फिर अनुच्छेद 21A। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 14 है, क्योंकि शिक्षा में जो संशोधन हुआ था तो 21A के तहत हुआ होगा, इसका मूल कोई भी कानून नहीं बना है। तो अनुच्छेद 21A जो है वो इसमें ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के आयु बच्चों के लिए निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है।
तो 2005 में सर्व शिक्षा अभियान जो आया था उसी के तहत इसमें ये संशोधन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका फोर्थ है ये बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है, क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया? ऑप्शन है यहां पर कृशकाय, दुर्बल, सुडौलकाय, गोलकाय या फिर उपरोक्त सभी। तो यहां पर ये जो बोला गया है क्रेस्मर, क्रेस्मर का नाम आ रहा है, तो क्रेस्मर ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्गीकरण कृशकाय, सुडौल तथा गोलकाय, इन तीनों में वर्गीकरण किया है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो इसका फोर्थ होगा ये बिल्कुल ठीक होगा, इन तीनों में ही इसका वर्गीकरण किया गया है, उपरोक्त सभी। अगला है टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? ऑप्शन है यहाँ पर बौद्धिक क्षमता, अभिक्षमता, अभिवृत्ति या फिर मूल्य। तो टीईटी का जो उद्देश्य बताया जाता है वो यहाँ पर मूल्य को बताया जाता है, तो मूल्य का मापन टीईटी का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर संगठन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? ऑप्शन है यहाँ पर अधिगम, स्मृति, अभिप्रेरणा या फिर सृजनात्मकता। तो संगठन का जो सिद्धांत है वो स्मृति की व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सेकंड है ये बिल्कुल ठीक होगा, स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? ऑप्शन है यहाँ पर अंतरदर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन या फिर प्रायोगीकरण। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो इसका पहला है अंतरदर्शन, ये बिल्कुल ही ठीक है, क्योंकि जो मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है वो अंतरदर्शन ही है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो इसका पहला है ये बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है अल्बर्ट बंडूरा पर, तो अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है यहाँ पर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत या फिर मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। तो अल्बर्ट बंडूरा ने अपना सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, तो ऑप्शन नंबर जो इसका पहला है ये बिल्कुल ठीक होगा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो ये जो सिद्धांत है बाकी दूसरों के व्यवहार को देखकर बालक उनका अनुकरण करता है, इस बात पर जोर देता है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका पहला है ये बिल्कुल ठीक होगा। 24वां प्रश्न है, अधिगम वक्र में पठार बनता है, तो कैसा पठार बनता है? ये क्वेश्चन अभी आया भी था, परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण या फिर अभिरुचि के कारण। तो अधिगम वक्र में किस प्रकार का पठार यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर जो ये तीसरा है, थकान के कारण, तो ये थकान के कारण इसमें पठार बनता है, ऑप्शन नंबर थ्री इसका बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर अधिगम की गति, अधिगम अंतरण, सृजनात्मकता या फिर अभिरुचि। तो दर्पण चित्र परीक्षण जो है वो किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर जो दिए गए हैं इसमें से ऑप्शन नंबर इसका जो सेकंड है, अधिगम अंतरण, ये बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता या फिर अभिरुचि। तो क्लाउड पिक्चर जो टेस्ट है ये मुख्यतः व्यक्तित्व के मापन के लिए होता है, जैसे कि रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण जो है वो भी व्यक्तित्व मापन के लिए ही प्रयुक्त होता है, तो ये ऑप्शन नंबर जो इसका सेकंड है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सेस से भिन्न है? तो टीएटी, 16पीएफ, रेवेन का परीक्षण या फिर ड्रॉ ए मैन परीक्षण, इनमें से बताना है कौन सा एक दूसरे से भिन्न है। तो 16पीएफ जो कैटल है, कैटल द्वारा निर्मित व्यक्तित्व परीक्षण है, तो 16पीएफ इन सभी विकल्पों से भिन्न है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सेकंड है बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की माध्यिका क्या है? तो इसमें से हमें माध्यिका बतानी है, तो माध्यिका का जो फॉर्मूला है वो आप देख सकते हैं, वो होता है एन बाई टू वा पद प्लस एन बाई टू प्लस वन वा पद बट्टे दो। तो हमें ये पहले तो पहले तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कितनी संख्या है, तो दो, दो चार, दो छः, तो छह संख्याएं हैं, तो छह बट्टा दो यानी कि तीसरा पद देखेंगे यहाँ पर, तो तीसरा पद यहाँ पर नौ है, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्लस चौथा, चौथा पद कौन सा है यहाँ पर, दस है, तो नौ प्लस दस कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, बट्टे दो करेंगे तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद जो मिलेगा हमें 9.5 मिलेगा, इसका मतलब यहाँ पर इसकी जो माध्यिका है वो 9.5 होगी, ओके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सूर्य या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो थॉर्नडाइक, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, हेगॉर्टी या फिर स्किनर। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सेकंड है ये बिल्कुल ठीक होगा, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने सूर्य और अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैकडुअल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है, किस क्या संबद्ध होता है? ऑप्शन है यहाँ पर संज्ञान, संवेग, संवेदना या फिर चिंतन। तो मैकडुगल के अनुसार प्रत्येक संवेग मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है, इन्होंने 14 संवेगों का वर्णन किया था, जिसमें से कुछ ये हैं जैसे कि पलायन, वह हास्य, आमोद,
जिज्ञासा, आश्चर्य या फिर संग्रहण का अधिकार। तो ये कुछ ऑप्शन नंबर जो इसका सेकंड है संवेग, ये बिल्कुल ठीक होगा, सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर संवेग बिल्कुल ठीक है मैकडिगल के अनुसार। तो ये कुछ 30 प्रश्न थे, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे और आपने नोट कर लिए होंगे। तो ये ऐसे ही प्रश्न यूपीटेट और सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं काफी बार, तो आप इनकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इसी प्रकार के चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। तो अगर आपने अभी तक शर्मा जी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ ये चैनल जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए, जितने भी आपके फेसबुक पेज हैं, व्हाट्सएप हैं, तो वहाँ पर आप इसको शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये पसंद आई है, और शर्मा जी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।